जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बहादुर कहानी का सारांश और ये भी आपको बताएंगे कि आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में इसे कैसे लिखना है। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। तो आप देखेंगे छठवें नंबर के क्वेश्चन पर ये आएगा और बोलेगा ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, या फिर बोलेगा कि बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। दो में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर छठवें क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी बहादुर नाम दिखेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यही लिखना है जो हम इस वीडियो में दे रहे हैं। और एक आपको गोल्डन ट्रिक बता रहा हूं, आप क्या करिएगा, बहादुर कहानी का सारांश और पंचलाइट कहानी का सारांश, इन दोनों को याद करके बोर्ड परीक्षा देने जाइएगा। और 100 में से 100% बता रहा हूं कि दोनों में से एक ना एक बोर्ड परीक्षा में पक्का फंस जाएगा। पंचलाइट कहानी का सारांश चैनल पर अपलोड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और बहादुर कहानी का सारांश यहां से हम देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा है ऐसे ही आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। ऊपर आप हेडिंग डाल दीजिएगा, यहां पर प्रश्नोत्तरांक नंबर 6, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे बहादुर कहानी का सारांश, ऐसे आपको करना है। अब आप क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। ठीक है, जो एक मीडियम फैमिली होती है, मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली वाले क्या करते हैं, एक नौकर अपने यहां लाते हैं और उस नौकर के साथ जो गलत काम करते हैं, जो उसको मारते पीटते हैं, वही कहानी है जो अत्याचार एक मिडिल क्लास फैमिली एक नौकर के साथ करती है। अब वो अत्याचार कैसे करती है उसको आप आगे के पैराग्राफ में देखेंगे। तो अब क्या बोला जा रहा है, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर में, रिश्तेदारों के घरों में नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधाओं को देखकर परेशान लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। ठीक है, एक यहाँ पर लेखक है जो इस कहानी को लिख रहा है, लेखक यानी कि अमरकांत जी, ये इसके लेखक हैं। लेखक की पत्नी क्या करती है, जब वह अपने से संपन्न, अपने से अमीर रिश्तेदारों के घर जाती है तो वहाँ पर देखती है कि उनके घरों में नौकरों द्वारा बहुत ही सुविधा जुटाई गई है, यानी कि उनके रिश्तेदारों में जो उनके क्या कहते हैं भाभियाँ होती हैं या फिर जो उनके रिश्तेदार होते हैं उनकी पत्नियाँ होती हैं, उनको कोई काम नहीं करना पड़ता है, उनके बच्चों को कोई काम नहीं करना पड़ता है, नौकर खाना बना रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, खाना आपके बेड पर लाकर दे रहे हैं। तो इतनी सुविधाएं देखकर ये परेशान हो जाती है, कौन, लेखक की पत्नी निर्मला, कि हमारे सिधारों के घरों में नौकर है, उनको इतनी सुविधाएं मिल रही हैं तो हमको भी इतनी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो निर्मला सोचती है कि वह भी एक नौकर रखे। ठीक है, अब क्या होता है कि बहादुर जो है, बहादुर को ये नौकर के तौर पर रखते हैं, लेकिन कैसे रखते हैं, बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग होकर शहर भाग जाता है। ठीक है, निर्मला चाहती है कि एक नौकर रखे वो। अब कहानी दूसरी तरफ शिफ्ट होती है, बहादुर की तरफ। बहादुर की माँ जो है बहादुर को बहुत मारती है और उससे बहुत काम करवाती है, इसीलिए बहादुर अपनी माँ से तंग आकर उसके यानी कि अपनी माँ के घर को छोड़कर वो शहर भाग जाता है और सोचता है कि यहाँ पर मेरी माँ मुझे नहीं मारेगी। शहर भाग आता है तो कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। जब वो शहर आ जाता है, जो लड़का है शहर आ जाता है, तो उसकी मुलाकात लेखक से होती है और लेखक क्या करता है, लेखक अपने घर में नौकर रख लेता है, यानी कि इसे जो है बहादुर को, जिसे लेखक अपने घर में नौकर रख लेता है, तो बहादुर को लेखक अपने घर में नौकर रख लेता है। निर्मला यानी कि किसकी, लेखक की पत्नी निर्मला और उसके परिवारजन बहादुर से पहले तो बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। जैसे कि एक दिन आप मान लीजिए साइकिल खरीद कर लाते हैं तो एक हफ्ते तक उसको आप रोज पोछा लगाएंगे, गाड़ी लेकर आते हैं 2-3 दिन आप एकदम पोछेंगे, उसे रोज धोएंगे एक हफ्ते में एक बार, लेकिन जहां पर 1 महीना 2 महीना 3 महीना हुआ आपकी गाड़ी की वही हालत हो जाएगी जो कि हर गाड़ियों की रहती है, आपके साइकिल की वही हालत हो जाएगी जो कि हर साइकिल की रहती है। आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप उसे धोएंगे नहीं और आप उसे खराब रोड पर भी चलाना शुरू कर देंगे। ठीक वही होता है बहादुर के साथ। बहादुर को जब लेखक अपने घर में नौकर बनाकर लाता है तो निर्मला और उसके परिवार या निर्मला उसका बेटा बेटी सभी लोग बहादुर से अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो लोग जो हैं निर्मला और उसके परिवार के लोग कठोरता बरतने लगते हैं। अब क्या होता है, बहादुर एक हसमुख लड़का है, वह घर का सारा कार्य करता है, जो घर के लोग हैं वो कठोरता बरतने लगते हैं, उसके बावजूद भी बहादुर हसमुख लड़का है इसीलिए वो घर का सारा काम करता है। इसके बावजूद
परिवार के लोग उसे गाली देते हैं। परिवार के लोग मतलब निर्मला का एक बेटा होता है, तो वो जो है लड़का बहुत हरामी होता है। पहले तो वो बहादुर से अच्छे से बात करता था, लेकिन अब जो निर्मला का लड़का है या निर्मला का या लेखक का बेटा जो है, वो बहादुर को यानी नौकर को मारता पीटता है और उसको गाली देता है, उससे अपने जूते साफ करवाता है, साइकिल साफ करवाता है, पूरा कार करवाता है अपना, और उसके बाद बहादुर को मारता भी है और उसको गाली भी देता है। गाली देने पर भी जब वो मारा पीटा जाता है, जो क्या कहते हैं बहादुर है, गाली सुनने पर मारने पीटने पर क्या करता है बहादुर, रोता है और स्वयं ही चुप हो जाता है। लेकिन क्या होता है, एक बार जब निर्मला के घर में मेहमान आते हैं तो बहादुर पर चोरी का झूठा इंजाम लगाया जाता है और उसे पीटा जाता है। इससे क्या होता है, उसको हर्ट हो जाता है कि मारो पीटो ठीक है, लेकिन चोरी का इंजाम ये तो बहुत गलत बात है, किसी पर बिना जाने समझे आप चोरी का इंजाम नहीं लगा सकते हैं। तो मारने पीटने पर वो रोकर शांत हो जाता है, लेकिन जब उसके घर के लोग उस पर चोरी का इंजाम लगाते हैं तो उसको हर्ट हो जाता है और घर वालों से तंग आकर बहादुर अपने परिवारजनों से यानी निर्मला से, उसके बेटे से तंग आकर क्या करता है, वो घर छोड़कर भाग जाता है। जैसे कि अपनी माँ से वो घर छोड़कर भाग आया था, अपनी माँ से तंग हो गया था तो घर छोड़कर भाग आया था, वैसे वो परिवार के लोगों से तंग हो जाता है और घर छोड़कर भाग जाता है। जब परिवार के लोगों को बहादुर की उपयोगिता पता चलती है, यानी कि उनको जब समझ में आता है कि उसने पैसा नहीं चुराया था और वो घर का सारा काम करता था, प्लस में जब बहादुर घर छोड़कर भागता है तो अपना भी सामान लेकर नहीं जाता है, ना कोई सामान चोरी करके लेकर जाता है घर से, ना वो अपना सामान लेकर जाता है, तो ये चीज़ देखकर उसके घर वाले, लेखक और उसकी पत्नी को एहसास होता है कि बहादुर एक अच्छा लड़का था, उसको मारने पीटने पर भी वो काम करता था, लेकिन इतना हमें नहीं तंग करना चाहिए था जितना हमने किया। उसके घर के लोग बहुत पछताते हैं, घर के लोग बहुत पछतावा करते हैं और बहादुर को ढूंढने का प्रयास करते हैं कि बहादुर किसी तरह अगर हमें मिल जाए तो हम उसको प्यार से रखेंगे और ज़्यादा काम भी नहीं करवाएंगे, पर बहादुर शहर में कहीं नहीं मिलता है और वो छोड़कर चला जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, एक नौकर को रखते हैं, बहादुर एक लड़का है जो कि नेपाल से अपनी माँ के डर से, अपनी माँ की मारपीट के डर से भाग जाता है, शहर में आता है तो कोई काम ढूंढता है, बहादुर की मुलाकात होती है लेखक से, लेखक बहादुर को अपने घर में नौकर के तौर पर रख लेता है और जब उसके घर वाले नौकर को पाते हैं तो वह बहुत खुश होते हैं। लेकिन दिन बीतने के साथ साथ जैसे चीज़ें पुरानी होती हैं, तो बहादुर के पुराने होने के साथ साथ उसको बहुत काम करने लगता है, बहुत काम करवाते हैं घर के लोग, उसको मारते पीटते हैं, लेखक का बेटा उसे गाली भी देता है, तब भी वो रोकर शांत हो जाता है, नहीं जाता है। लेकिन जब उस पर चोरी का झूठा इंजाम लगाया जाता है तो उसको हर्ट हो जाता है बहादुर को, और इतना परेशान कर देते हैं घर के लोग कि बहादुर अपनी सैलरी लिए बिना अपना सामान उसी घर में छोड़कर फिर से उस घर से तंग आकर वो भाग जाता है। यही कहानी है, किसी को तंग नहीं करना चाहिए, और इस कहानी को आप पढ़िएगा कि किताब में होगी, आपको अच्छी लगेगी। फिलहाल कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।